हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को करनाल के सेक्टर 37 में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सीवरेज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, यह बेहद खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब करनाल के लोगों को फायदा मिलेगा। इस सीवरेज टर्मिनेंट प्लांट की रोजाना 50 मिलियन लीटर पानी साफ करने की क्षमता है। कई प्रोसेस से जाकर गंदा पानी साफ व स्वच्छ होगा। बता दें कि 72 करोड़ की लागत से यह सीवरेज टर्मिनेंट प्लांट बना है। इसी प्लांट से 6000 एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमारी नई चीज करने का घोटाला नजर आता है। वहीं उन्होंने पत्रकारों द्वारा रजिस्ट्रियां बंद किए जाने के सवाल में कहा कि ई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने के कारण रजिस्ट्रियों को 15 दिन के लिए बंद किया गया है। उन्होंने इस चीज को नकारते हुए कहा कि रजिस्ट्रियों में घोटाले हो रहे थे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रियों में कोई घोटाले नहीं हो रहे थे, केवल ई रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया को लेकर 15 दिनों के लिए रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। जो अनऑथोराइज्ड प्लाटों की रजिस्ट्रियां की जाती थी, ई रजिस्ट्रियों से उस पर रोक लग सकेगी। इस दौरान विधायक हरविंदर कल्याण, डीसी निशांत कुमार यादव सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये बन करके प्राय तैयार हो गया है और आज उद्घाटन से पहले एक बार इसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मैं आया था और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि करनाल में लगभग जो 80 से 90 MLD वेस्टेज जितना निकलता है उसमें जितने भी बाकी सब प्लांट्स मिला करके 120 MLD की व्यवस्था ये करनाल शहर की हो गई है, ताकि आगे के लिए उसका बफर रखना पड़ता है और जल्दी इसका उद्घाटन हो जाएगा। और एक बड़ी जो इसमें विशेष बात है, ऐसे सभी प्लांट्स इनको हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने की बात कही है। आज भी इरिगेशन के लोगों ने अपना प्रेजिडेंस दिया है ताकि इस पानी का, ट्रीटेड वाटर का इरिगेशन के लिए उपयोग हो सके। अभी तक ये सारा पानी ड्रेन आउट होता है, तो ड्रेन आउट होने से साफ किए पानी का ड्रेन आउट होना तो बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए इससे यहाँ इसी प्लांट से लगभग 6000 एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है। वैसा हमारा प्रयत्न रहेगा कि पूरे हरियाणा में लगभग 100 के आसपास SLP ये बन गए हैं, स्टेट ये सीवरेज क्या ट्रीटमेंट प्लांट STPs 100 के लगभग STPs बन गए हैं। इन सब के पानी का उपयोग हम इरिगेशन में करने की योजना बना। सर, राजस्थान बंद कर दी गई हैं किसी कारणवश और विपक्ष का कहना है कि ये घोटाला है, गड़बड़ी है, किस कारणवश की गई और कब तक खुल जाएंगी? रणदीप सुरजेवाला, जिन लोगों ने इतने घोटाले आज तक किए उनको हर बात में घोटाला नजर आता है। हमको व्यवस्था में नई चीज लेकर के आए उसको भी घोटाला नजर आता है। वास्तव में देखिए, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमारा पिछले लगातार 5 साल चला है, उसमें कई डिपार्टमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के इस काम में सारे अपने सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना होता है और उसको एक दूसरे के साथ मिला करके चलाना होता है। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, उसमें कोर्ट्स की लिटिगेशन के इशूज भी होते हैं। ऐसे सब कार्यक्रमों को, सॉफ्टवेयर को मिलाने के लिए उनको कम से कम 10 दिन का समय चाहिए, तो इसलिए उस सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये समय दिया गया है। इन रजिस्ट्रों को रोक करके और एक सॉफ्टवेयर बना करके अब इसके बाद किसी प्रकार की जो शिकायतें रहती हैं, खास करके अनऑथोराइज प्लॉट्स, इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कभी कभी लिटिगेशन के प्लॉट्स, इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो ऐसी जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ना आए, किसी प्रकार का आपस में झगड़ा, किसी प्रकार की लिटिगेशन ना बढ़े, इस कार्यक्रम के बाद, इस सॉफ्टवेयर की तैयारी के बाद वो सब। सर, राजस्थान में जो है गैंग रेप मामले सामने आए, आपकी नॉलेज में भी आए होंगे, कहाँ तक जांच और क्या समझते हैं आप इस तरीके से? देखिए, जैसी जानकारी मिली है पुलिस ने उसकी FIR दर्ज कर ली है और मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा जब तक न हो जाए तब तक इसके आगे बढ़ना। सर, राजस्थान ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.